सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कई लोग बुढ़ापे तक कमाते रहते महाराज, बूढ़े हो जाते ही कमाते रहते। सन्यास की अवस्था में धन नहीं कमाना चाहिए, सन्यास की अवस्था में धर्म कमाना चाहिए। अंत गति भूतश्च योग्यम। आदमी को जब सरकार तक रिटायर कर देती है 50-60 साल में, तो इसका मतलब सीधा है कि यही उम्र है तुम्हारी अर्थ कमाने की। अब तो केवल धर्मार्थ कमाओ, धर्मार्थ कमाओ, यानी धर्म के साथ ही अर्थ कमाओ। अब केवल अर्थ के लिए व्याकुल नहीं होना। न्यासम ध्यास अभ्यास। आदमी का जब शरीर असमर्थ होता है तब ये प्रपंच छोड़ दे और पूरी तरह न्यास कर ले, संन्यास कर ले, भगवान भजे। जो भी पूंजी है वो भगवान के ही चरणों में अर्पण करे, उनके कामों में लगाए, उनकी सेवा में लगाए। औलाद को खड़ा कर दिया, वो कमाती है, हमसे ज्यादा उसने डेवलप कर लिया है खुद को, तो फिर हम क्यों कटकट करें? अपने भजन में, अपने आनंद में क्यों हम बाधा खड़ी करें और क्यों हम अपने आप को नरक की ओर ले जाएं? मरने के बाद कौन क्या करता है, संस्कार हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तो व्यर्थ का ही है। हमें तो अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है मृत्यु होने के बाद। बच्चे श्राद्ध तर्पण 13वां 14वां जो भी करते हैं उसका फल बच्चों को प्राप्त होता है। कर्म भूतम हस्तम दयाकर्मण, जिनके हाथों से जो किया जाता है वो फल उनको ही जाता है, दूसरे को जा नहीं सकता।